मार्ग का ज्ञान ना रहा, तो इतना ज़्यादा आगे आ गए, मतलब जो रास्ता उनका परिचित था, जो उनको पता था कि जिस रास्ते जाना है वो वाला रास्ता भूल गए और दूसरे रास्ते पर चले गए जिस मार्ग का उनको कोई ज्ञान भी नहीं था, उनको पता ही नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता ना था, नए नए गाँव मिलने लगे। अब जो उन्हें पता था कि हमें किधर जाना है किधर मुड़ना है वो रास्ता तो भटक गए थे, दूसरे रास्ते पर जा रहे थे जिसको पता ही नहीं था, नए नए गाँव पड़ रहे थे, उन्हें पता ही नहीं था कि अब हम कहाँ जाएँ। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे अब क्या करना चाहिए। जब उनको इस बात का एहसास हो गया कि हम तो ही गलत आ गए हैं, तो दोनों ने रुकना ही सही समझा और दोनों रुककर सोचने लगे कि अब आगे क्या हमें कदम उठाना चाहिए, क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। हीरा ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, ऐसा लग रहा है कि हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। तो मोती बोला, तुम तो पागल हो, फालतू भागे, वो आ रहा था पीछे पीछे गया, उसको वहीं मार डालते और उसके बाद में हम अपने सही रास्ते पर चल देते। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। लेकिन हीरा समझदार था, उसने कहा, कैसी बातें करते हो, वैसे कैसे मार सकते थे, तुम ये तो जानते ही हो कि अपने मालिक झूरी का वो रिश्तेदार है और दूसरा उस छोटी बच्ची का भी रिश्तेदार है, तो हम उसको अगर मार देते तो दुनिया क्या कहती कि जिसके घर में खाया उसी को हमने मार दिया, हितोपदेश की बात है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे, इतने दिन से ढंग से खाना नहीं खाया था, बहुत तेज भूख लग रही थी, तो भूख से दोनों व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चढ़ने लगे, आसपास देखा कि किस खेत में खड़े हैं, तो देखा कि मटर का खेत है, सोचा चलो मटर खाते हैं, चढ़ने लगे यानी खाने लगे। रह रहकर आहट ले लेते, कोई आता तो नहीं है, लेकिन इतने बिल्कुल अलर्ट थे, सतर्क थे, बीच बीच में कान उठाकर देख लेते थे कहीं ऐसा तो नहीं है दूर से कोई आ रहा हो जो कि हमें नुकसान पहुंचाए। जब पेट भर गया दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया, जब इतने दिन की भूख मिट गई, पूरा पेट भर गया, तब उनको लगा कि आज हम वास्तव में स्वतंत्र हो गए हैं। तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे, तो वही पहले वाली मस्ती जो कि इतने दिनों से नहीं कर पा रहे थे, तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। तो मस्ती करने के लिए क्या किया, पहले तो डकार आ गई, पेट भर गया था, फिर जिस तरह से पहले सींग मिलाते थे एक दूसरे के साथ मस्ती करते थे, वैसी मस्ती की और एक दूसरे को ठेलने लगे। ठेलना मतलब एक कोई पीछे से सींग मार के उसको आगे भगा रहा, आगे से मार के पीछे भगा रहा, इस तरह से मस्ती करने लगे दोनों। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। मोती ज़्यादा ही उग्र स्वभाव का था, तो उसने हीरा को किसी तरह से ठेला कि वो खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, तो हीरा को भी क्रोध आ गया, गुस्सा तो हर एक को आता ही है, उसको भी थोड़ा क्रोध आ गया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। लेकिन समझदार था, उठ गया और मोती से मिल गया, उसको समझ में आ रहा था कि मस्ती हो रही है, कोई मुझे शत्रुता के रूप में नहीं मार रहा, मित्रता के रूप में ही मार रहा है, तो हीरा से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है, तो किनारे हट गया। मोती ने भी यह समझदारी दिखाई, उसको भी लगा कि बात कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गई है, तो उसने भी शांत रहना ही सही समझा, इसलिए एक किनारे हट गया। अब इसका तीसरा दृश्य शुरू होता है। अरे यह क्या, कोई सांड डौकता चला आ रहा है, अचानक उनको आवाज़ आई सांड के हुकारने की। हाँ सांड ही है, वह सामने आ पहुँचा, तो अभी तक तो उनको लग ही रहा था, लेकिन इतनी जल्दी वो सामने आ गया कि दोनों समझ भी नहीं पाए। दोनों बगले झांक रहे हैं, बगले झांकना मुहावरा है बचकर निकलने का प्रयास करना, दोनों बगले झांकने लगे। सांड पूरा हाथी है, उन्होंने ध्यान से देखा, सांड का जो आकार था भीमा का आया था, बहुत बिल्कुल हाथी जैसा लग रहा था, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है। दोनों ने अपनी समझदारी से इस बात का अनुभव कर लिया कि अगर हमने इससे भिड़ना शुरू किया तो आज जान से हाथ धो बैठेंगे, लेकिन ना भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नज़र आती, लेकिन अगर नहीं भी भिड़ते हैं तो सांड तो गुस्से में दिखाई दे रहा है, वो किसी भी तरह से छोड़ेगा नहीं, इन्हीं की तरफ आ भी रहा है, कितनी भयंकर सूरत है। और उन्होंने देखा कि सांड उसी की तरफ चलता आ रहा था और बहुत ही भयानक सूरत वाला था। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। मोती ने हीरा से कहा कि आज तो भैया बहुत बुरे फंस गए, अब कोई उपाय ऐसा सोचो जिससे कि जान बच सके। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू बिनती ना सुनेगा, भाग क्यों ना चले। हीरा ने कहा कि इस समय उसको अपने बल पर बहुत गुमान हो रहा है, बहुत घमंड में है, अगर हम उससे विनती भी करेंगे कि हमारी जान बख्श दो तो वो सुनेगा नहीं, क्योंकि इस समय मद में है, अपनी वीरता के नशे में चूर है, तो यहाँ से भाग चलने में ही भलाई है, भागना कायरता है। लेकिन मोती ने कहा कि भागूंगा तो मैं नहीं, भागना तो कायरता की निशानी है।
तो यहीं मरो, बंदा तो 9 to 11 होता है। तो हीरा ने कहा ठीक है तुम्हें नहीं भागना, मत भागो, तुम यहीं पे मरो, मैं तो बंदा तो 9 to 11 है, यानी मैं तो यहाँ से भाग रहा हूँ। और जो दौड़ाए तो मोती ने कहा कि तुम अगर मान लो भाग भी लें अपन दोनों और वो पीछे से आ जाए हमें भी दौड़ाने लगे तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी। उसने कहा ठीक है चलो फिर कोई उपाय सोचो किस तरह से इनसे बच सकते हैं। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। तो उसने हीरा ने कहा कि एक ही उपाय है अब तो कि दोनों एक साथ उसके ऊपर भिड़ जाएं, मैं आगे से रगेड़ता हूँ तुम पीछे से रगे दो, दोहरी मार पड़ेगी। उसने कहा एक काम करो, वो जैसे हमारे पास आएगा मैं उसको पीछे से आगे भगाऊंगा, तुम आगे से पीछे करना, इस तरह से दोहरी मार पड़ेगी तो शायद वो परेशान हो जाए। मेरी ओर झपटे तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। उसने कहा अगर वो मेरे ऊपर आए तो तुम अपने सींगों से उसके पेट पर हमला कर देना, जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। हालांकि ये ऐसा उपाय नहीं है कि ये शर्तिया इलाज हो कि हम इससे बच ही जाएंगे, लेकिन इसके अलावा हमारे पास इस समय दूसरा कोई उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके, जान हथेली पर लेना मुहावरा है, अपने आप को मरने के लिए तैयार करके दोनों उस शत्रु के से लड़ने के लिए तत्पर हो गए। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा ना था, तो अभी तक सांड ने बहुत लोगों को पछाड़ा था लेकिन इस तरह से संगठित शत्रु यानी जो शत्रु अपनी एकता से उसको पराजित करने आए थे ऐसे लोगों से लड़ने का उसका कोई अनुभव तजुर्बा यानी अनुभव नहीं था। वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदि था, मल्लयुद्ध यानी कुश्ती, अभी तक सांड जितने से भी लड़ा था वो सिर्फ एक कुश्ती करने का उसको पता था किस तरह मल्लयुद्ध किया जाता है, उसी का आदि था यानी उसी का उसको अनुभव था। ज्यों ही हीरा पर झपटा मोती ने पीछे से दौड़ाया, उसने जैसे ही हीरा पर हमला करने का प्रयास किया मोती ने आकर उसके पीछे से अपने सींग चुभो दिए, उसको दौड़ा दिया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा, जैसे उसने देखा कि पीछे से का हमला ज़्यादा ताकतवर है तो वो हीरा को छोड़कर मोती के ऊपर लपका तो हीरा ने उसको फिर पीछे से रगेद दिया। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले पर ये दोनों भी उस्ताद थे। सांड ये चाह रहा था कि किसी भी तरह से दोनों एक एक करके मेरी तरफ आए तो मैं दोनों को पराजित कर दूंगा, लेकिन ये दोनों तो पहले से ही पूरी युद्ध योजना बनाकर बैठे थे कि हमको किस तरह से उसको पराजित करना है। उसे वह अवसर ना देते थे तो वो अपनी तरफ से दोनों कोई मौका ऐसा दे ही नहीं रहे थे कि वो किसी एक अकेले पर बार कर सके। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल में आकर पेट में सींग भोंक दिया। एक ऐसी एक स्थिति आई कि सांड बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर बिल्कुल हीरा को मारने के लिए दौड़ा, लग रहा था कि इस बार उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा, लेकिन मोती ने बिल्कुल पूरी स्थिति को संभाल लिया, उसने आकर जल्दी से अपने दोनों सींग उसके पेट में घुसा दिए। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू से सींग चुभो दिए। अब उसने देखा कि पहले मोती को मारना जरूरी है तो वो मोती की तरफ भागा तो हीरा भी जल्दी से संभला और उसने अपने सींग उसके दूसरी तरफ से उसके पेट में घुसा दिए। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया। अब सांड को भी लगा कि इन शत्रुओं से मैं किसी भी तरह से नहीं जीत पाऊँगा तो दोनों वो भागने लगा, दोनों ने बहुत दूर तक उसका पीछा किया यानी बहुत दूर तक उसको खदेड़ दिया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। इतना दोनों ने भगाया कि सांड की बेचारा सांस फूल गई, बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया और उन्होंने अपनी थोड़ी सी दिखाई अला इस तरह से उसने दिखाया कि दोनों बहुत बड़े विजयी हैं और उसको छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। इस समय क्योंकि अपने ताकतवर शत्रु पर विजय प्राप्त की थी तो दोनों को ही विजय का जो नशा था दोनों के सर चढ़ पर बोल रहा था और दोनों उसी विजय के नशे में चूर होकर आगे चलने लगे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। मोती अपनी वीरता दिखाते हुए कहा कि कहने लगा कि मेरा तो मन हो रहा था कि किसको मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग ना चलाना चाहिए। लेकिन हीरा हम शुरू से ही देख रहे हैं, पूरी कहानी में देख रहे हैं कि जितनी भी बातें होती हैं जो समझदारी की बातें होती हैं वो हीरा ही कर रहा है। तो हीरा ने कहा कि नहीं, गिरे हुए बैरी पर शत्रु भले ही कितना भी ताकतवर हो लेकिन अगर वो जमीन पर पड़ा है, उसने अपनी हार मान ली है, तो उस पर हमें किसी भी तरह से हमला नहीं करना चाहिए। यह सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। लेकिन मोती ने कहा, तुम तो फालतू की बातें करते हो, ये सारी बकवास है, हमें तो ये करना चाहिए कि अगर हमारा शत्रु सामने पड़ा हुआ तो हमें उस पर ऐसा वार करना चाहिए कि वो वहीं पर ढेर हो जाए, वहीं पर मर जाए, फिर दोबारा उठ ही ना पाए। अब घर कैसे पहुँचेंगे ये सोचो, मोती बोला, हीरा बोला कि ये फालतू की बातें सब छोड़ो, अब ये सोचो कि हम अपने घर कैसे यानी अपने मालिक झूरी के पास कैसे पहुँचें। पहले कुछ खा लें तो सोचें,
अब जितने भी मटर खाई थी वो सारी तो सांड से लड़ने में ख़त्म हो गई। तुमने कहा पहले कुछ खा लेते हैं फिर आगे की बात सोचेंगे कि आगे हमें क्या करना चाहिए। सामने मटर का खेत था ही, फिर वहीं पर आके खड़े हो गए जहाँ पे मटर का खेत था, तो वही मटर का खेत तो सामने था ही। मोती उसमें घुस गया, मोती खाने के लिए घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। हीरा ने कहा कि अब सुबह होने वाली है, अब इसमें मत घुसो, लोग जगने वाले होंगे और हम पर हमला कर सकते हैं। लेकिन मोती ने उसकी बात नहीं सुनी और मटर खाने के लिए घुस गया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया, नहीं सॉरी, अभी दो ही चार ग्रास खाए थे कि दो आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। थोड़ी सी मटर खा पाई थी मोती ने कि जब तक उन्होंने देखा कि आदमी लाठियां लिए वो आ रहे हैं और उन्होंने दोनों मित्रों को आकर, हीरा और मोती को आकर चारों तरफ से घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंस गए। हीरा तो वहाँ से भाग सकता था, किनारे पर ही था क्योंकि वो तो खेत के अंदर नहीं गया था। लेकिन मोती जो था वो सींचे हुए खेत में था, यानी उस जगह खड़ा हुआ था जहाँ पर पानी था, तो उसके पैर जो थे वो भागने का प्रयास कर रहा था, तो पैर कीचड़ में धंस रहे थे, ना भाग सका। उसने बहुत प्रयास किया लेकिन भाग नहीं सका। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा। तो हीरा तो बहुत थोड़ा सा आगे निकल गया था, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा कि मोती तो आ ही नहीं पा रहा है, तो मेरा साथी अगर संकट में है तो मैं उसको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ, ये सोचकर वो लौट आया। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे, मित्रता का बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया और सोच लिया कि अगर मरना है तो दोनों एक साथ ही मरेंगे, अकेले नहीं मरने दूंगा। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया, तो अभी तक तो सिर्फ मोती को ही पकड़ा था, हीरा भी लौट आया तो उसको भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों काजू हाउस में बंद कर दिए गए, और जैसे ही अभी बिल्कुल सूरज ही उगा था, जैसे ही सुबह हुई सारे कार्यालय वगैरह खुले, तो काजी हॉस एक तरह की जेल होती है जहाँ आवारा पशुओं को रखा जाता है। आवारा पशु समझते, ऐसे नगर निगम का कोई ऑफिस हो जहाँ पर वो आवारा कुत्तों को पकड़ लाए वहाँ पर बंद कर दिया, उसी तरह से काजी हॉस भी होती है जिसे हम जेल कह सकते हैं, पशुओं की जेल, वहाँ पर जाकर उन दोनों को बंद कर दिया। चौथा दृश्य शुरू हो रहा है। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका मिला कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी ना मिला, तो सुबह ही लाके यहाँ पे बंद कर दिया गया था। और पहली बार उनके जीवन में ऐसा हुआ था कि शाम होने को आ गई और खाने के लिए यहाँ पर काजू हाउस में उनको एक तिनका भी ना मिला। समझ में नहीं आता था यह कैसा स्वामी है, उनको समझ में नहीं आता था, उनको तो नहीं लग पाता था कि हम जेल में बंद हैं। वो सोच रहे थे कि ये कैसे स्वामी है जो हमें खाने को ही नहीं दे रहा, क्योंकि अभी तक चाहे भले झूरी का घर हो, झूरी तो बहुत प्यार से रखता था, गया का घर था वहाँ पर भी खाना तो कम से कम देते ही थे, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था, सोचा कि इससे तो गया ही अच्छा था, कम से कम कैसा भी देता था लेकिन खाने को तो देता था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ थी, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा ना था। उन्होंने थोड़ी नज़रें उठा के देखा तो यहाँ पर जानवर तो बहुत सारे उन्हें दिख रहे थे, लेकिन उन्होंने फिर इस बात को गौर किया कि किसी के सामने भी चारा नहीं पड़ा था, यानी भोजन किसी को नहीं दिया गया था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे, जितने भी जानवर थे सब बिल्कुल बेदम होकर मुर्दे, यानी जिनके शरीर में जान ही ना हो, इस तरह से पड़े हुए थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे, कुछ तो उनमें से इतने ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे कि सीधे खड़े भी नहीं हो सकते थे, कमज़ोरी के कारण उनके शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी कि सीधे खड़े भी हो जाएं। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता ना दिखाई दिया। लगा कि शायद अब कोई खाना ला रहा होगा, अब खाना ला रहा होगा, पूरा दिन इसी तरह बीत गया लेकिन कोई भी खाना देने नहीं आया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती, जब बहुत ज़्यादा भूख अंदर से लग रही थी, कुछ खाने को नहीं मिल रहा था, तो जहाँ बंधे हुए थे उसी की दीवार को चाटना शुरू किया जो कि नमकीन हो गई थी, क्योंकि उस पर आप लोग समझते हो शायद नोना लग गया था, जैसे सीलन के बाद में नमक सा आ जाता, वो नमक आ गया था, इससे नमकीन लग रही थी, लेकिन इससे क्या तृप्ति होती, यानी भूख थोड़ी ना मिटती, बस क्योंकि अपनी भूख मिटाने का प्रयास कर रहे थे। रात को भी जब कुछ भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। रात हो गई, खाने को कुछ नहीं मिला, तो हीरा को भी, हालांकि बहुत सीधा था वो हीरा, लेकिन वही है जब किसी को भूखा रखोगे तो कभी ना कभी तो विद्रोह करेगा, उसके मन में विद्रोह की भावना जाग उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं सहा जाता मोती। उसने मोती से कहा कि भाई अब तो बिल्कुल नहीं सहा जा रहा, बहुत ज़ोर से भूख लगी है। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। मोती बोला, ठीक कह रहे हो यार, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जान निकल जाएगी।
इतनी जल्दी जल्द हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। तो हीरा ने कहा इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो, कोई ना कोई उपाय सोचते हैं, किसी तरह से यहाँ से भागने का तरीका देखते हैं, आओ दीवार तोड़ डालें। तो मोती बोला चलो एक काम करते हैं, दीवार तोड़ के निकल भागते हैं, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। हीरा बोला लेकिन शरीर में बिल्कुल जान नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं कर पाऊँगा। बस इसी के बूते पर अकड़ते थे। तो मोती ने मजाक करते हुए कहा कि जान बिल्कुल है नहीं शरीर में, और बात कर रहे थे भागने की, इसी दम पर अकड़ रहे थे, सारी अकड़ निकल गई। उसने कहा भैया अब तो सारी अकड़ निकल गई, अब तो शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं है। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही, उसने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। तो जो बाड़े की दुकान थी पुराना था, काजू हाउस जो था बहुत पुराना था, बिल्कुल कमज़ोर दीवार हो रही थी, और मोती जो था ताकतवर तो था ही, उसने अपने सींग दोनों बहुत ज़ोर से मारे तो एक बहुत बड़ा सा मिट्टी का टुकड़ा निकल कर गिर पड़ा। फिर तो उसका साहस बढ़ा, जब एक इतना बहुत बड़ा हिस्सा निकल कर गिर गया तो उसकी हिम्मत थोड़ी और बढ़ी कि अगर थोड़ा प्रयास और करूँगा तो शायद दीवार को तोड़ ही सकता हूँ। इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लगी। तो अब उसका साहस बढ़ गया था, उसने हिम्मत करके कई बार उस पर प्रहार किया और हर बार प्रहार करने पर मिट्टी झड़ती चली जा रही थी। उसी समय काजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। तो ये इधर कर ही रहे थे प्रयास वहाँ से निकलने का, इसी बीच काजी हाउस का जो चौकीदार था जो कि इन पशुओं की निगरानी करता था और हाजिरी लेता था, हाजिरी लेना मतलब अटेंडेंस तो होगी नहीं आप लोगों की तरह जैसे होती है, क्या करने आता था हाजिरी लेने कि सारे जानवर हैं, कोई ऐसा तो नहीं क्योंकि भाग गया हो, तो हाजिरी लेने के लिए आ गया। हीरा का उजटपन देखकर उसने कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया, लेकिन जैसे उसने देखा कि हीरा के आसपास की दीवार जो है टूटी, क्योंकि कर तो मोती रहा था लेकिन हीरा के पास आके मिट्टी गिर रही थी, तो उसने देखा कि ये इसने ही ये होगी दीवार तोड़ी होगी, तो उसने हीरा को बहुत मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया। पहले तो उसकी खूब पिटाई लगाई, फिर मोटी रस्सी से बांध कर चला गया। मोती ने पड़े पड़े कहा आखिर मार खाई क्या मिला। तो मोती ने कहा क्या फ़ायदा हुआ प्रयास करने का, मार तो पड़ी गई, अपने बूते भर जोर तो मार दिया। उसने कहा कोई बात नहीं, मार पड़ी तो क्या हुआ, जितनी हिम्मत थी उतना तो हमने कर ही लिया, ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। तो मोती ने मजाक उड़ा करते हुए कहा कि ऐसा क्या फ़ायदा, ऐसे स्वतंत्रता के प्रयास करने का क्या फ़ायदा हुआ कि गुलामी की जंजीरें और मोटी हो गई, जोर तो मारता ही जाऊँगा चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएँ। तो यहाँ पर हीरा ने स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों की ओर से कहा कि भले कितनी भी परेशानियां आती जाए, कितने भी अंग्रेज सरकार हम पर जुल्म कर दे, लेकिन हम अपने आज़ादी की लड़ाई को नहीं छोड़ेंगे। तो उससे यहाँ पर संकेत भाषा में प्रेमचंद जी ने बताया है कि कहा कि भले कितने भी बंधन पड़ते जाएं, लेकिन मैं स्वतंत्रता के प्रयास करना नहीं छोड़ूंगा, जान से हाथ धोना पड़ेगा। मोदी ने कहा कि ऐसा ना हो कि इस स्वतंत्रता के प्रयास में तुम्हारी जान ही चली जाए, कुछ परवाह नहीं, यूँ भी तो मरना ही है, सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। तो हीरा बोला कोई बात नहीं, जान चली जाती तो चली जाती, ये तो सोचो मेरी जान जाने से कितने लोगों को मुक्ति मिलती, कितने सारे यहाँ पशु हैं उनकी जान बच जाती, इतने भाई यहाँ बंद हैं किसी की देह में जान नहीं है, कितने हमारे भाई बंधु यहाँ पर हैं और सारे बिल्कुल शिथिल होकर पड़े हैं, किसी के शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं है, दो चार दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। उन्होंने कहा अगर इसी तरह से दो चार दिन को यहाँ पर कैद रखा गया तो सारे मर जाएंगे, कोई नहीं जिंदा बचेगा। हाँ यह बात तो है, अच्छा तो ला फिर मैं भी जोड़ लगाता हूँ। तो मोदी ने कहा चलो अब तुम एक तरफ हटो, मैं भी जोड़ लगाने का प्रयास करता हूँ, चलो सबको आज़ादी आज दिला ही देते हैं। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। मोती ने आकर फिर से उसी जगह पर जो से मारना शुरू किया और उसमें से मिट्टी गिरने लगी, उनकी हिम्मत और बढ़ी दोनों की। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंद्वी से लड़ रहा हो। अब हीरा को तो रस्सियों से बांध गया था, अकेला मोती रह गया था, तो अब मोती ने इतनी जोर जोर से उस पर सींग मारने शुरू किए मानो कोई शत्रु सामने खड़ा है और उससे मुक्ति पाने के लिए वो प्रयास कर रहा है। आखिर कोई दो घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग एक हाथ गिर गई। बहुत प्रयास करने के बाद में ऊपर से दीवार मतलब जहाँ खड़े हुए थे उतनी हाइट पर ही थोड़ी ऊंची पर हाइट पर जाके दीवार गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। अब उसमें और हिम्मत आ गई, जितने भी साहस बचा था शरीर में सबको बटोर कर उसने फिर से प्रयास किया और इस बार दीवार का एक बहुत बड़ा हिस्सा गिर पड़ा।
दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। अभी तक तो सब बिल्कुल निढाल से पड़े हुए थे, लेकिन जैसे ही दीवार गिरी उन सबको लगा कि अब हमें थोड़ा सा प्रयास और ज़्यादा, मतलब एक किरण दिखी, आशा की किरण दिखी कि अब हमें आज़ादी मिल सकती है, तो सबके शरीर में मानो जान आ गई।